फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर का हेल्दी और टेस्टी केक। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खजूर लिया है, जो कि नंबर में 20 से 25 होंगे, और यहाँ पे एक टेबल स्पून कॉफ़ी ली है। अब हम इसमें ये कॉफ़ी मिक्स कर देंगे और इसमें हम एक कप एकदम खौलता हुआ दूध और उसमें 1/4 और ऐड करके दूध डालेंगे और इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हमारे खजूर को भीगे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे मिक्सी में पीस के एक पेस्ट बना लेंगे, लेकिन जब तक के हमारा पेस्ट रेडी होगा, हम यहाँ पे गैस पे एक भगोना चढ़ाया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, और इसमें मैं इसमें नमक डालूँगी, इसके नीचे नमक बिछा दूँगी जिससे कि हमारा केक जले ना। और यार यूज़ किया है केक में 1/2 kg सॉल्ट को बिछा दिया है। अब इसमें मैं एक स्टैंड लगाऊंगी और इसको हाई फ्लेम पे करके 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दूंगी और इसको ढक के रख देंगे। अब ये अच्छे से पेस्ट बन गया है, हमने खजूर को पीस लिया था जो दूध में भिगो के रखा था। अब हम इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी में। इससे पहले कि हम बैटर रेडी करें, पहले हम केक मोल्ड में अच्छे से ग्रीसिंग करके रेडी कर लेंगे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे, उसको भी अच्छे से जो है लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसमें सूखा मैदा भी डाल के उसको कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे और साइड्स में भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब हमने जो ऑयल मिक्स करके इस पेस्ट में खजूर के रखा था, इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। पेस्ट को हमने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 कप आटा लेंगे और इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा 1 स्पून आटा निकाल के, मैंने यहाँ पे 1/3 कप अखरोट लिया है और उसमें ये सूखा आटा मिक्स करके अलग रख देंगे हम, और बाकी आटा इसी पेस्ट में डाल देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अब इसमें बाकी बचा आटा भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने यहाँ पे अखरोट आटा डाल के रखे हुए थे उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 teaspoon बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 teaspoon इसमें सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो हमने मोल्ड रेडी करके रखा था उसमें अब इस बैटर को डाल देंगे। अब सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको टैप करके इक्वल कर लेंगे। अभी अच्छे से इक्वल हो गया है। अब हमारा भगोना प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना केक मोल्ड रखेंगे। बहुत ही संभाल के रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम इसको ढक के करीब 25 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये केक के ऊपर डिपेंड होता है, इसको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है पकने में और कम भी, इसको बीच बीच में हमें चेक करना होगा। और इसको हम एकदम सिम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम टूथपिक डाल के देख लेते हैं कि ये कहीं इसमें लग तो नहीं रहा है। ये अभी हल्का सा लग रहा है, अभी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। हम केक को देख लेते हैं, अब ये अच्छे से हो चुका होगा।
एक बार फिर से हम टूथपिक डालेंगे इसमें और देखेंगे। अब ये सही हो गया है, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए केक हमारा रेडी है, अब हम इसको प्लेट लगा के, क्योंकि ये अभी थोड़ा गर्म है, और इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल गया, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से ग्रीस किया हुआ था। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था उसको धीरे धीरे करके निकाल देंगे। ये देखिए कितने आराम से निकल गया ये। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छा बना है ये, बहुत ही अच्छा फूला भी है। देखिए हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।